हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी फ्रेंड माधुरी, माधुरीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेफ्ट ओवर डोसा बैटर, इडली बैटर, उससे हम ये नई नई डिशेस बनाएंगे। तीन तरह की अलग अलग डिशेस बनाएंगे। ये देखिए, एक है सैंडविच, ये हम लोग बनाएंगे। एक है आप पे हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर डोसा बैटर से इडली बैटर, जो आपका बच्चा हो। और ये पैन केक है, ये हम लोग तीनों बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा, देखिए इस तरह से फ्लफी और टेस्टी बनता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, ऑयल फ्री होता है, हम लोग भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बनता है। चलिए देखिए, बैटर ले लिया हमने। ये बैटर में हमने पानी वानी नहीं डाला, इतना ही थिकनेस रखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अब ये हम वेजीज ले लिए हैं, जो आपके पास हो आप ले लीजिएगा। ये देखिए, ये छोटा प्याज काट के हमने ले लिया है, एक छोटा प्याज काट के ले लीजिएगा। ये छोटा कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, ये काट के ले लीजिएगा, छोटा छोटा फाइन काट लीजिएगा। और ये गाजर हमने ग्रेट करके ली है, ये ग्रेट करके एक छोटी गाजर ले लीजिएगा। और ये हरी मिर्च है दो, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी धनिया है दो चम्मच, ये ले लेंगे इन सब में। अब ये देखिए, हमने आलू बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ये अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको डाल लेंगे। अगर आपको कच्चा आलू पसंद है तो वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। ये देखिए, हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अगर आप काली मिर्च नहीं खाना चाहते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा। इन सबको इसमें अब हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अगर आपने बैटर में नमक डाला है तो कम डालिएगा। इस तरह से सबको डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। ये हाफ़ टी स्पून हमने बैटर में नमक डाला था, इसलिए हम हाफ़ टी स्पून डाले। अगर आप बैटर में नहीं डाले हैं तो आप वन टी स्पून या स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए, आप मिक्स कर लीजिए, बैटर को आप तैयार कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फर्स्ट पहला वाला बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने ले लिया है टोस्टर। ये टोस्टर हमारा इलेक्ट्रिक का है, तो ये देखिए हम पहले प्री हीट कर लेंगे इसको। इसको प्री हीट करने के बाद में इसको हम ग्रीस कर लेंगे, हल्का हल्का, बहुत थोड़ा सा ऑयल में ग्रीस कर लीजिएगा। इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। ग्रीस करने के बाद में इससे निकलने में आसान होता है। अब ये देखिए, इस तरह से हम डाल लेंगे इसमें उसमें खानों में पोर कर लेंगे। अगर आपके पास जो गैस पर हम लोग बनाते हैं ये सैंडविच, उसको भी आप ले सकते हैं, उस पर भी बन जाएगा आसानी से। इस तरह से हम चारों में पोर कर लेंगे अच्छे से। देखिए, इस तरह आप चारों में पोर कर लीजिएगा। अब देखिए, इस तरह हल्का हल्का इसको हम लोग साइड से भी ऑयलिंग कर देंगे। जैसे ही हम लोग निकालें तभी आराम से हम लोग का निकल जाए। इस तरह से अब हम इसको बंद कर देंगे। अपना टाइमर आप फिक्स कर लीजिएगा, आपके टाइमर के हिसाब से आप इसको बंद कर लीजिएगा। जब टाइम पूरा हो जाएगा तब आप इसको निकाल। देखिए, हमारा हो गया है। चलिए हम लोग बदल के देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक साइड पक चुका है। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा साइड से निकाल लीजिएगा, फिर ये आपका आराम से निकल जाएगा। देखिए, इस तरह से आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा, बहुत आराम से निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा बना है। इस तरह से ये एक तरफ से सीख चुका है, दूसरे तरफ से भी सेक लेंगे हम लोग इसको। देखिए, ये बच्चों के टिफ़िन के लिए, हम लोग सुबह के नाश्ते के लिए, हम लोग भी जॉब वाले हैं तो टिफ़िन में ले जाने के लिए बहुत अच्छा होता है। एल्युमिनियम फॉइल में करके इसको आप करके दे सकते हैं बच्चों को भी, अपने भी। आप बिल्कुल कम तेल में हेल्दी नाश्ता है। फिर से हम एक इसको टाइमर सेट करके रख देंगे एक मिनट के लिए। देखिए, हो गया। फिर चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा टेस्टी। देखिए, दोनों तरफ से पक चुका है, एकदम हेल्दी नाश्ता तैयार है। ये एक देखिए, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये एक तरह का नाश्ता तैयार हो गया आप लोग का बैटर से। देखिए, इस तरह से हमने प्लेटिंग कर ली है बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए, हम लोग के ब्रेकफास्ट के तैयार है। चलिए दूसरा बनाते हैं। ये अपे स्टैंड हमने रख लिया गैस पर, एकदम सिम पर रखिएगा इसको। हल्का एकदम सिम पर रखने के बाद में इसको हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे। सारे खानों में हम लोग हल्का हल्का ब्रश से ऑयल लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद ऑयल सब में आप लगा लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग एक एक स्पून पोर कर लेंगे इसमें।
ये सब एकदम कम ऑयल में हेल्दी नाश्ता है हम लोग का। हम लोग वही इडली से, इडली बैटर से हम लोग इडली डोसा खा के एक दिन पहले या सुबह या शाम जब भी खा के हम हो जाते हैं परेशान, तो इसलिए नया नया नाश्ता बच्चे भी परेशान करते हैं कि हम लोग फिर से वही नहीं खाएंगे। तो ये आप नया ट्राई कर सकते हैं इन लोगों के साथ। इस तरह से हम लोग सारे खानों में पोर कर लेंगे और आप ट्राई करिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा है ये। और आप एक लाइक बटन दबाइएगा ज़रूर आपको अगर अच्छा लगता है तो। इस तरह से हम इसे ढक लेंगे सबको पोर करके। देखिए 5 मिनट बाद हम देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल है गैस इसलिए हम गैस के हिसाब से आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया है। देखिए इस तरह से सारे हम पलट लेंगे, इस तरह सारे पलट करके तैयार कर लेंगे। एक बार और नीचे से सेक लेंगे, फिर ये सारे पलटने के बाद में एक बार अच्छे से नीचे से भी थोड़ा सा और कलर आ जाता है, फिर ये हम लोग का अप्पे तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से सारे पलट लेंगे, फिर 1 मिनट के लिए इसको ढक करके हम लोग पका लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए हो गया है, अब हम लोग का अप्पे तैयार है खाने के लिए। ये भी आप टिफिन में भी दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम को छोटी मोटी भूख के लिए तैयार हो गया है ये। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब ये थर्ड, चलिए देखिए, देखिए इस तरह से सबके पास छोंकने वाला पैन होता है, तड़का पैन। इस तरह हम लोग ग्रीस कर लेंगे इसको, ब्रश से ग्रीस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, खाली ग्रीसिंग करना है इसको। ऐसे ग्रीस करके एक लैडर, मतलब एक चम्मच, इतना बड़ा है तो आप एक चम्मच डालिएगा, नहीं तो आधा ही पैन उसमें डालिएगा। डालने के बाद इसको हम कोई चीज़ से ढक देंगे। ढकने के बाद में देखिए 2 मिनट में ये तैयार हो गया है। देखिए पलट लेते हैं, देखिए तैयार हो गया है। तो इसको हम लोग निकाल करके पलट लेते हैं, पलट करके फिर दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ऊपर से ग्रीस कर देंगे। 1 मिनट के बाद इसको फिर पलट देंगे। देखिए दोनों तरफ से वाह कितना टेस्टी अच्छा कलर आ गया है, बहुत यम्मी लगता है। ये भी आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चों को। देखिए ये दूसरा हम आपको बता दे रहे हैं, इस तरह से देखिए दूसरा भी हो गया है। हल्का सा ऑयल लगा देंगे, फिर इसको पलट देंगे हम लोग। देखिए इस तरह से कितना अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है या टोस्टर नहीं है, आप इस तरह से भी एक नया डिश बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए पैन केक। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा बना है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा हमारे तीनों डिशेस। देखिए तैयार हो गए हमारे तीनों डिशेस। अगर आपको हमारे डिशेस पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा माधुरी रेसिपी को। और इस समय पेंडेमिक चल रहा है, आप अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। कीप हेल्दी, स्टे स्टे।